बस में सोते नहीं है। मैडम आ चुकी हैं 3 घंटे तक रेडी होने के बाद। एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल एंड सभी लेडीज को हैप्पी करवा चौथ, सभी को हैप्पी 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 वाला करवा चौथ। और बस जस्ट मैं भी सो के उठी थी 7:30 या 8:15 बज रहे थे, मैं सो के उठी थी। मेरी मेहंदी का रंग सब लोग बताइएगा सबकी करवा चौथ कैसी रही जब मैं ये ब्लॉग अपलोड करूंगी। ये ब्लॉग थोड़ा लेट जाएगा क्योंकि हमें फोन में ऑलरेडी बहुत सारे ब्लॉग हैं दिल्ली वगैरह के, तो ये ब्लॉग करवा चौथ का थोड़ा लेट पोस्ट होगा, 1-2 दिन डिले करके, मतलब करवा चौथ के 1-2 दिन बाद। तो बताइएगा जरूर सब लोग उसमें कमेंट करके कैसी रही करवा चौथ। वो सभी मेरा और मम्मी का तो फास्ट ही है, मतलब वही निर्जल व्रत होता है सभी को पता है, लेकिन इन लोगों का तो नहीं है। तो इन लोगों के लिए मैं बस खाना बनाने जा रही थी, खाना बनाने के बाद मैं फिर नहाऊंगी और नहाने के बाद रेडी होंगी और रेडी होने के बाद फिर पूरा दिन रेडी होकर घूमेंगे। और मतलब फिर मैं आज सोच रही हूँ शाम का खाना भी मैं जल्दी दिन में बना के रख दूँ ताकि शाम को अच्छे से रेडी होने के लिए टाइम मिल जाए। तो मैं बस अभी जल्दी से दाल चावल रोटी इन लोगों के लिए बनाती हूँ एंड उसके बाद नहा धो के फ्रेश। पहले सोच रही नहा के खाना बनाऊंगी बट भूख नहीं लगना है अभी सुबह कोई भी, और ना ही पूजा होनी है, शाम का पूजा होनी है, तो शाम का नहा धो के बनाएंगे। बट अभी मैं बना के रख देती हूँ क्योंकि फिर मुझे नहा के फ्रेश एकदम अपने को रेडी वेडी करना है। तो मैं सोचूँ पहले खाने वाने से फ्री हो जाते हैं ठीक है ना, एंड उसके बाद फिर रेडी होंगे। तो बस मैं जाती हूँ खाना बनाने एंड उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। सोना नहीं चाहिए, बस में सोते नहीं है। गाइस मैं भी रेडी हो गई नहा धो के, मम्मी भी हो गई हैं, मम्मी ने भी अभी साड़ी वेयर करी है, मैंने सूट वेयर करा, मैंने सोचा अब सूट एंड इवनिंग में साड़ी दोनों लुक रखते हैं आज का। तो मम्मी को मैं पहले बैंगल का सेट बनाती हूँ, आज करवा चौथ का दिन है तो पूरे दिन हमारा ऐसे लगा रहेगा, कभी कुछ खाना वाना हमने बना के रख दिया, शाम का जो भोग का खाना बनेगा वो अलग बनेगा, तो वो बनाऊंगी मैं नहा धो के, मतलब नहाई हुई तो हूँ अब बनाऊंगी थोड़ी देर में, जब ये वाला दोपहर का खाना नहीं पड़ जाएगा ना खा पी के तब बनाएंगे है ना मम्मी। मम्मी का बैंगल्स का सेट, हाँ तो आप तो आराम नहीं करो है ना भाई, जब हम है तो मम्मी को क्या जरूरत है करने की, क्यों भाई है लल्ला। लल्ला भी नहा धो के बैठ गए रेड रेड कपड़े पहन के। ये कड़े मैं मम्मी के लिए लाई हूँ, मैं वैसे ब्लॉग में अलग से दिखाऊंगी बट मैं अभी दिखा देती हूँ, ये वाले कड़े लाई हूँ मैं दिल्ली से मम्मी के लिए, ये 200 के 4 है। गिर गया, उठा लो। अभी मैं भी बैंगल्स पहनूंगी इसके मैचिंग की, मैंने पहन ली। ये दोनों हाथ के लिए बहुत कम है, ये है तो सही, मम्मी ने बना के रख दी है, तो एक हाथ की है ना, वही तो, तुम एक हाथ की जीन है, मैं सोची ये दोनों हाथ की है, मुझे भी यही लगा ना, एक हाथ की है, मैं भी यही समझी। तुम कहाँ गए थे? हैं? कहाँ गए थे? अब इनको नखत खिला दो। ये वाले कड़े कब लाए थे उसने? कौन से? हाँ। आ वियो। सही लग रहा है, क्या लग रहा है अभी पीछे हो, ये पहन लो, इसे कहते हैं चूड़ी का सेट, वो तो नॉर्मल हो गया है, गोल्डन का है, गोल्डन है तो इसमें दो लगाएंगे, बीच में लगाइए ऐसे अच्छा लगता है, साड़ी से मैच ये करेगा, साड़ी में ये कलर ज्यादा है ना, गोल्डन कलर ज्यादा थोड़ी ना है, क्यों मैं है? हाँ आई एम राइट। हाँ अभी बीच में से तो हट जाओ, अभी तो अपनी अलग पंचायत लेके बैठ गया है, अब
पहनो, इन्हें देखो आपको कम कम भी है और एकदम प्यारा सेट भी है। क्या चीज? मिल गई जोड़ी, एड़ी मेरी जोड़ी मिल गई। एड़ी मिलानी होती है। मम्मी के पैर कितने गीले हो रहे हैं, ये छूट जाएगी फिर। ये छूटती है। है बहुत पतली है ना? तो ऐसी बह रही। ये तो पूरी फैल गई। तुम्हारे पैर पहले से भी गीले हो रहे हैं। मम्मी गीले हो रहे हैं। भाग गई। ये तो बहुत ही बह रही है मम्मी। हाँ पूरे पैर तो गीले कर आएंगे मम्मी। जो मेरे तो सही लग गए बिल्कुल। सीधा रखना पैर को, टेढ़ा मत करना। भैया नीचे खाना खाएगा वो। अब इतना बड़ा सादा पानी तो मम्मी भी बह रही है ना फिर। बाबू ने भी तो इतना बड़ा लगाया। मैंने तो बड़ा बड़ा लगाया। इतने ही बड़े अच्छे लगते हैं। देखो ये वाला भी बड़ा कर दूँ अपने। ये बह बहुत रही है भैया। बहुत पतली है। मम्मी के तो कार्टून बन गया। अरे कोई नहीं, मैंने तो अपने ऐसे लगाया सीधा पैर करके। मम्मी ने यूं तो पैर कर रखे हैं। हाँ टेढ़े तो और बह रहे। तो वो और बह रही है। कोई बात नहीं, शगुन हो गया। बहुत ही पतली हो रही है। बह रही, मैं क्या करूँ। देखियो मैंने तो अच्छे से लगाई है उनको। चलो सही है, पैरों में लाल लाल हो गए। तो पैरों पे क्यों करके बैठ गई आप? क्यों बैठते हैं? ये मेरी महावत मेरी बहू ने बनाई है। लगाई है इतनी सुंदर। कुड़िया दिखाई है अपनी चूड़ी। ये भी बहू ने बनाई। और ये भी चूड़ी है क्या? ये जो पीछे पड़ी है मम्मी अच्छी चीज ही बता रही है। बहू ने जो बेकार कर दी वो बता रही है। देखी मेरी ये चूड़ियां भी बहू ने लगाया सेट। अच्छा ये देखे लिपरी थी, ये भी मेरी बहू ने लगाई। नहीं ये बहू ने मंगाई थी ऑनलाइन। मैंने लगाई है खुद। अभी मुझे पीछे लाने हैं अपने। अच्छा ये देखिए मेरा मंगलसूत्र। हाँ, ये भी बाबू ने लाया। इसकी डोरी मेरा गोल्ड का मंगलसूत्र कल ही मंगाया है मैंने अपनी बहू से। और कुछ? और आज मैं कैसी लग रही हूँ आपको? ये वो बात दे रही आप। बताइए गाइस हम कैसे लग रहे हैं? हम कैसे लग रहे हैं बताएं। हम दोनों कैसे लग रहे हैं? और शाम को हमारा अलग लुक होगा ना मम्मी? शाम को अलग दिखेंगे, अब अलग थोड़ा सा कपड़े चेंज में। अब शाम को अलग दिखेंगे। मेरे यहाँ पे जो होता है हमारे घर गालों में दर्द हो जाता है। हम रेडी हो चुके हैं। मम्मी के पीछे रह गया है। मम्मी और पीछे लेके आएंगी है ना। माइंड बदल भी सकता है पापा का। ये बात सही है, पापा का मन बदल जाएगा। बहुत थकान हो रही है, बहुत तेज की प्यास लग रही है। मैंने थाली डेकोरेट करी है अपने लिए, मम्मी के लिए। खुद ही घर पर डेकोरेट करनी है हमने। अबरी मंगा के ना अबरी लगा ली इसका मैंने।
बहुत ज्यादा थक गई। मैं भी खाना बना के आई थी, मैंने बनाई है पनीर की सब्जी और आलू आलू गोभी और पनीर बना के रख दिया मैंने। पूरी रह गई, अब पूरी दीदी बनाएंगी क्योंकि मैं रेडी होंगी। तो बस मैंने सोचा अब रेडी हो लेते हैं क्योंकि 5 बजने वाले हैं, 6 बजे पूजा का मुहूर्त है, तो 1 घंटा तो रेडी होने में लगेगा। आज करवा चौथ है भाई। और गजरा मंगाया है मैंने, सोच रही हूँ चूड़ा बनाऊंगी, देखते हैं चूड़ा बनाते हैं या नहीं, पर मन तो है। मैं चूड़ा पिन वगैरह भी ले आई थी, चूड़ा बनाने की सोच रही हूँ। तो जल्दी से रेडी होते हैं, बहुत थकान हो रही है, हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन कोई नहीं, रेडी होते हैं। ठीक है, फिर जल्दी से मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा लुक आज का क्या होने वाला है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपने को लेकर कि मैं कैसी लगने वाली हूँ। आई होप आप लोग भी होके। तो अभी आगे मिलते हैं अच्छे अच्छे से रेडी होके। ओके ना, मम्मी को भी दिखाऊंगी। मम्मी और मेरी साड़ी का कुछ कुछ सेम कलर है, दोनों को दिखाती हूँ। ठीक है, मैं जल्दी। मैडम आ चुकी है 3 घंटे तक रेडी होने के बाद। कैसी लग रही हो? मेरा चूड़ा ये मैंने खुद ही बनाया। जो भी है इनका ये सेल्फ मेकअप है, तो किसी को भी अगर शादी पार्टी विवाह में अगर आपको मेकअप वेकअप की करवाना हो तो मैडम मेकअप भी करती है। और मेकअप अपना करती है बस, और किसी का वाइस कमेंट करके बता दो यार कैसी लग रही है, कैसी लग रही है। और हमसे पूछनी है कि आपने कोई तारीफ नहीं करी, तो यार तारीफ वहाँ करो कि मतलब अगर बेकार लग रहे हो तो हम बोल देंगे बेकार लग रहे हो, अगर नहीं बोला कुछ समझ जाओ कि हाँ भाई कि सही लग रहा है। अच्छा हाँ सही लगा। आज जैसे जैसे हर सुहागन अपने पति के लिए व्रत रखती, वैसे एक पति ने भी आज व्रत रखा है। आपकी वो है? मैंने व्रत रखा है, बता दो जान। देखो मम्मी, मम्मी और मैचिंग है ऑलमोस्ट। पापा ने व्रत नहीं रखा लेकिन आज मैंने व्रत रखा, आज हमारा दूसरा ही करवा चौथ है। तो भाभी ओम नमः। व्लॉग बन रहा है, मैं फोटो खींचता ना ब्रो। दिया भी रख, क्या ला रहे ब्रो? दिया तो छत पे लेके जाता है। हाथों में पूजा के थाली, रात सुहागो वाली, आई रात सुहागो वाली। आपको मैं बहुत बढ़िया है, हाथ में जो वही तो रोटे रखे जाएंगे ना यहाँ पे, वही तो मैं कह रही हूँ। रोटे रखो जब चंदा मामा निकल जाएंगे ना। फूल की पुड़िया ले आओ, बहुत सारा पानी पिलाना मुझे। तो फूल की पुड़िया ला दो मेरी, तुम्हें जूस पिला दूँ? हाँ जूस पिला के ले आना, जूस और चॉकलेट। मम्मी बोले आएंगे रियल जूस, रियल जूस का डिब्बा ले आऊंगी। जैसे व्रत खोलेंगे ना पहले रबड़ी खा के जूस पियेंगे, ताकि फ्रूटी पिलाए, फ्रूटी पानी से पिलेगा। अरे नहीं, पानी पीने के बाद जूस पियेंगे, फूल नहीं है इसमें। दे दो फूल यहीं पे, लोटे में डालो फूल, लो ये साड़ी ला लो। तो ये यहाँ पे पूजा स्टार्ट कर दी थी हम लोगों ने, मैं ही कथा पढ़ रही थी क्योंकि मम्मी को पास करना दिखाई नहीं देता, और कथा बिल्कुल सही से ही पढ़नी चाहिए, बिल्कुल गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं सोचा हम फ़ोन में ही पढ़ लेते हैं क्योंकि उसमें बारिश लिखा हुआ था कैलेंडर में। तो हम लोग कथा पढ़ रहे हैं यहाँ पे, और उसके बाद में फिर गणेश जी की आरती करके, और उसके बाद में हम लोगों ने जैसे जैसे मम्मी बताएंगी वैसे वैसे मैं कर रही थी, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट ही था, तो मतलब जो सेकंड था ये, फर्स्ट वाले दिन तो मम्मी नहीं थी, मतलब हॉस्पिटल में थी तो नहीं हो पाया था सही से। तो इस बार मम्मी ने जैसे जैसे बताया वैसी वैसी मैंने पूजा करी थी, और उसके बाद में मम्मी को ये मैं वायना दूंगी यहाँ पे। मम्मी के लिए मैं ये साड़ी लाई हुई है, ब्लू कलर की जो साड़ी दिख रही है मम्मी के लिए लाई थी ये, मैं चड्डा वालों से लाई थी साड़ी। तो ये मम्मी को बायने में मैंने साड़ी पूड़ी मिठाई वगैरह जो भी देते हैं, और ये हमारे यहाँ कलश में चावल भर के देते हैं, तो ये मैंने मम्मी को बायना दिया है। लाइट गई, लो हमारे आते लाइट भी गई। जीत वाला क्या नाम है? जेपी स्टूडियो, जेपी स्टूडियो आए थे जो गुरट्टी पे ही है, हम लोग वहीं आए फोटो क्लिक करने। अंदर ये
अब आ रही है डॉल दीदी की कॉल, इतनी देर से मैं कॉल कर रही थी तो आई नहीं। एक सेकंड का चंद्रमा निकल गया है, जो कि आज निकल गया है 8:30 बजे। इतना जल्दी निकल गया है क्योंकि उन चंद्रमा से मतलब जो औरतें भूखी हैं, प्यासी हैं, सुबह से कुछ खाया नहीं है, पिया नहीं है, तो उनसे देखा नहीं जा रहा था दर्द इनका दुख, तो जल्दी से आज निकल आया है। और घर में भी हमारे तैयारी चल रही है, जल्दी से ऊपर पूजा करने की, तो दिखाता हूँ मैं आपको सब। हाँ भैया पहुंचो, पता है मुझे किसी से भूख नहीं देखी जा रही। मम्मी मम्मी तुम्हारी लिफ्ट लगवानी पड़ेगी मुझे लग रहा है, जल्दी चलो मम्मी और इना प्यास से और भूख से व्याकुल हो रहे हैं, कहीं जल्दी आओ जल्दी आओ, बस रो रही है, बस आंखों में इनके आंसू भी हैं। हाँ आ रहे हैं भैया, आ रहे हैं आ रहे हैं। मम्मी तुम्हें गोद में उठा के ले चलूं छत पे? चल चली रहा हूं। मम्मी तीन जी छुड़ के आई और हाफ गई पूरी तरीके से। कभी कुछ रह रहा है नीचे, कभी कुछ रह रहा है, मतलब इतनी ज्यादा व्याकुल हो रखी है प्यास से और भूख से। चलो भाई पूजा स्टार्ट। कौन कह रहा भाई? तो रख देंगे। टीवियों में पता नहीं बेटा क्या क्या दिखाते हैं, ये रियल लाइफ है। इट्स अ रियल लाइफ, नॉट अ रियल लाइफ। अरे हाँ पकड़ रही हूँ। मच्छर खाओगे क्या? ओह माय गॉड, क्या है मच्छर? ओह माय गॉड। चलो भाई पूजा स्टार्ट करें। अब मैं किसी को अपना ये फोन थमाऊ। चंद्रमा वो है। चलो भाई मुस्कान पकड़ो भाई। पहले मम्मी आते थे छन्नी से देखते हैं। चांद देखो, तभी थर तो आओ मम्मी पापा को तो खड़ा कर लो इधर। मुझे पता नहीं है मम्मी कैसे बताएंगी। हाथों में पूजा की थाली, लल्ला खुल गया। पैर छू लिए, ये अपना खाना जानते हैं देखो। आगे कर लो जब को। आज पहले तो लंच भी बहुत मैंने लेट करा था ना, इस चक्कर में भूख नहीं लग रही अभी। बहुत देर से खाया था। अरे अरे अरे
अरे जय जय तो कर लो, जय 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 भगवान जी का, भगवान जी बाबू, भगवान जी देखो देख रहा है, ये सब पता नहीं कहाँ पे कहाँ रखे हैं, ये रखे हैं भगवान जी। और जय करी भगवान जी को तुमने, जय करी जय करो ऊपर तो जैसे हाथ जोड़ ले, हाँ दिए जल रहे ऐसे ट्रेन में आ रहे थे तो ट्रेन में ना आदमी ने भजन सुनना था तो हाथ जोड़ लेने खुद उसको देख के, वो हमें दूर चल रहे थे, जय करो अभियुक्त, इसको देख यहाँ बैठा ले, उस समय दिए जल दिया हाथ जोड़ दिए बार बार, चलो जय करो जय करो जय। अब उठेगा, अच्छा अभी अपना डांस करके दिखा दो, डुम डुम लगा वाला, अब कुछ खींचेगा ये देखो, अरे भैया ले चल जाओ, हाँ तुम चलना सही जाओ जल्दी से। तो गाइस बहुत ज्यादा थक चुके, पूरा दिन आज मैंने तो आराम नहीं किया है, इवन दो सुबह से हम लोगों को टाइम नहीं मिला, मतलब खाना वगैरह फिर थोड़ा फोटो वोटो आप लोगों ने देखा था शूट कराने गए तो रील्स का टाइम हम लोगों को नहीं मिला, तो अब हम रील्स शूट कर रहे हैं अभी तो सुलाने के बाद हो गया, लेकिन लंगड़े ट्राइपॉड को हमने एडजस्ट करके रील्स बना रहे हैं तो अब जाके हमारी रील्स बन रही है, जब मेरा सारे मेकअप की धच्चियां उड़ चुकी है तब मैं रील्स बना रही हूँ, मैंने सोचा एक आज रील्स इंस्टाग्राम के लिए बना ही लेते हैं, बाकी मतलब थोड़ी बहुत बनी थी वो थोड़ा अच्छी नहीं बनी थी, मैंने सोचा अब थोड़ा रिंग लाइट के सामने बनाते हैं, तो रील्स बना रहे थे, अभी को सुला दिया है, खाना खा लिया है, खूब सारा पानी भी पी लिया, लेकिन अभी प्यास लग रही है, पानी की बोतल फिर से नीचे से मंगाऊंगी इनसे क्योंकि अब मैं बहुत थक रही हूँ, हाँ सुबह से तरस रहे थे पानी के लिए, लेकिन अब तो प्यास खैर बुझी गई, और थैंक यू सो मच हमारे लिए व्रत रखने के लिए, सब अपनी बीवी से जाके धन्यवाद बोले, शुक्रिया बोले, क्योंकि जो पूरा दिन भूखा प्यास रहने के बाद हमारे लिए फास्ट रखती है, तो पता है मुझे ना वैसे ज्यादा प्यास नहीं लग रही थी, लेकिन जब जब मैं खाना बना रही थी तब तब मेरा गला सूख रहा था क्योंकि धुएं वगैरह से ऐसा होता भी है, वैसे इतनी प्यास नहीं लगेगी नॉर्मल डेज में, बट जब कभी फास्ट होता है तो भूख भी ज्यादा लगेगी आपको, प्यास भी ज्यादा लगेगी, सो लेकिन कुल मिला के बहुत अच्छा गया आज का दिन हम लोगों का, बहुत अच्छे से हम लोगों ने एंजॉय करा, आप लोगों ने देखा ही होगा मैं दो दो बार रेडी हुई, बहुत अच्छा गया, तो अगर आप लोगों को ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और शेयर तो ज्यादा से ज्यादा करना, और सब्सक्राइब करना भूलना मत चैनल को, तो इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।